यू सो मच। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया सर। तो क्या है इस खूबसूरत बछड़ी की डिटेल? ये बच्ची का नाम कायनात है और इसकी माँ जो है वो सुमैया है, आलिशान लाइन से बिलोंग करती है, ठीक है। और इसका बाप जो है वो द ग्रेट इंडियन ओशन है, ये वो ऑस्ट्रेलियन और मदर दोनों मेरे पास ही है और मेरे घर की ब्रीड की हुई है। घर की ब्रीड की हुई है जी। और आपका क्या परिचय सर? मेरा नाम अब्दुल रज्जाक खत्री है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। अहमदाबाद गुजरात से आया, तो जोधपुर पहली बार आया सर? मैं ऐसे पहले शो देखने आया था, इस बार पहली बार मैं फिली को लेके आया हूँ रिंग के लिए। ठीक है, कैसा लग रहा है यहाँ पर माहौल, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत खूबसूरत माहौल है और बहुत अच्छा एटमोसफियर है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये कितने महीने की हो गई सर बच रही है? ये अभी 22-23 मंथ की है। 23 मंथ्स की। एक बार हल्का सा इसको राउंड दीजिए सर। सो गाइस ये बहुत ही खूबसूरत सुरंग कलर है सर ये? जी सुरंग कलर है, मऊवी है, पचकलियान है पूरी। और ये मेरी होम ब्रीड है, इसके मदर फादर दोनों मेरे पास है और मेरे घर में ही ये पैदा हुई, मेरे स्टड फार्म में। आपके स्टड फार्म पे पैदा हुई। और कितने इससे पहले कोई शो पार्टिसिपेट कर चुके? ये फर्स्ट टाइम बाहर निकली है स्टेबल से और ये फर्स्ट टाइम में जोधपुर आई। अच्छा, फर्स्ट टाइम में सीधा जोधपुर आई है? जोधपुर आई। ओके सर, विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं बहुत ही सुंदर ये पंचकल्याण बछेरी है गाइस। चारों सॉक्स व्हाइट और मुंह पे एक अच्छा ब्लेज और बहुत ही अच्छी कान कंडीशन की ये घोड़ी है। आपको मैं एक बार ये घोड़ी पूरी तरीके से ये बच्ची दिखाऊं। बहुत ही प्यारा इसका कलर कोट और बहुत ही अच्छी टॉप नॉच कंडीशन में ये है। तो सर कितने सालों से है अपने वो घोड़ों का शौक? सर मैं पिछले 15 साल से घोड़े रख रहा हूँ। शौक तो उससे पहले से था लेकिन अभी जब से मैं 15 साल से मैं रख रहा हूँ घोड़े। राइडिंग का भी शौक रखते हैं? राइडिंग भी करते हैं और हॉर्स ब्रीडिंग भी करते हैं। अभी टोटल 10 घोड़े हैं मेरे। 10 घोड़े सारे मारवाड़ी है? सारे मारवाड़ी। तो आपके यहाँ पे गुजरात में तो काठियावाड़ी ब्रीड का भी काफी चलन है, तो वो उस पे आपका नहीं है उतना प्यार? मेरी जो शुरुआत हुई थी वो काठियावाड़ी ब्रीड से हुई थी, तो मुझे थोड़ी हाइट लेंथ और खूबसूरती में ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो तब से मैं मारवाड़ी रहा। सो मारवाड़ी। एंड वेलकम टू आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड। हम लोग हैं 9th मारवाड़ी हॉर्स शो जोधपुर में और यहाँ पर शुरू होने जा रही है मिल्क टीथ फिली मारवाड़ी की रिंग, जहाँ पर ये खूबसूरत खूबसूरत बछेरियाँ यहाँ पर आ चुकी है। आपको बात कराएंगे कुछ अश्वों के मालिकों से और दिखाएंगे ये खूबसूरत घोड़ियाँ। सो बने रहिए। इसी कड़ी में गुजरात से एक और बाबा जी हमारे साथ में है। जय राम जी सा। जय राम जी। कई शुभ नाम आप रो? केसर सिंह। केसर सिंह जी कटू बता रहे आप? गुजरात बनासकांठा जिला थराद तहसील का रहा गांव से। अच्छा ठीक है। कई ले रहे हो आज हाथ? ये बच्ची है। बच्ची है? और कितनी बच्ची है? ये महावीर की बच्ची है। महावीर की बच्ची है। और महावीर कौन सी लाइन का हो गया? ग्लेड गैम्बलर का। ग्रेट गैम्बलर की? गैम्बलर का। तो ग्रेट गैम्बलर की पोती हो गई है? हाँ, ग्लेड गैम्बलर की पोती। कितने महीने की हो गई है ये? 18 महीना। 18 महीने। और आपका क्या शुभ नाम है? केसर सिंह। केसर सिंह जी, और कितने सालों से हो घोड़ों में? घोड़ा तो बाप दादा ही राखता। बाप दादा ही। आपने कितने साल हुई गया? मैंने 58 साल हुई। 58 साल हुई क्या? ठीक है। जोधपुर शोर में पहले भी पधारे हो आप? ना आई साल आई। हाँ आई साल आओ। तो बार इन घोड़ी अलावा और कई कितना बच्चा ले बच्चे लेना है? और ये अलावा ये कौन बच्ची लेके आया? बचकल है वो। हाँ हाँ वो ले आया, वो बादल की बच्ची है। हाँ 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 बादल की बच्ची है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लाके ही लाके, मतलब केड़ा जानवर आया है? जानवर बढ़िया आया। जानवर बढ़िया आया हम है हाल तो आप बच्ची, लेकिन अदंत में तो छोटी है हाल बच्ची। बच्ची सुनिए पर लेन तो आया हो। ठीक है ठीक है ठीक सा ठीक। बहुत बढ़िया, आपने ही उम्र में भी आप आया हो तो पार्टिसिपेट करने वास्ते। कदा आई गया? काले काले आया। ठीक है सर ठीक। यहाँ से काफी जनावर आया है। हाँ हाँ 500 जनावर है इनमें। आपने देख लो है। हाँ इसमें ये अगला दो पग है ना, इसको लक्ष्मी कदम बोलता है। 5000 घोड़ा देखो ना, 1000 घोड़े में ये 5000 घोड़े एक देखने मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लक्ष्मी कदम और पूरा खुला ब्लेज है गाइस। तो बहुत ही, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, लक्ष्मी कदम बहुत ही शुभ मानी जाती है। और जो आगे के दो पैर अभी आप देख रहे हैं इस घोड़ी के ब्लैक है और मुंह पे अच्छा ब्लेज है, तो ये बहुत ही यूनिक एक फीचर है जो कि घोड़ों में पाया जाता है। और जिसके पास ये घोड़ा हो मतलब मुंह मांगे दाम मिल जाते हैं। तो सेठ जी ना तो कई भाव लग गया लाटे? नहीं बेच रहे कि नहीं है पर फिर भी दाम तो लगे ही होंगे? नहीं देने की नहीं है, कीमत करते ही नहीं। कीमत करते ही नहीं। फिर भी किसी ने कोई भाव लगाया अभी तक? नहीं नहीं लगाया। ठीक है, देनी ही नहीं है। देनी नहीं है ना? ना देनी। ठीक है ठीक। सो गाइस ये बाबा जी की ही एक और पंचकल्याण बछेरी है। क्या नाम बाबा जी इसका? ये
इसका क्या नाम है? प्रिया, प्रिया नाम की ये घोड़ी बादल की बच्ची है। बादल अपना अति सुंदर वाला साचौर में जो खड़ा, हाँ धान का वाला ना, तो सगाई ये अति सुंदर की पोती है ये, और बादल की बच्ची है ये भी बहुत ही खूबसूरत। इसका बाप भी पंचकल्याण घोड़ा है, बड़ा पंचकल्याण घोड़ा है। बादल काफी सारे शोज का विनर रह चुका है। ये घोड़ा कितने महीने की होगी बाजी? ये बच्ची 18 महीने की ये खूबसूरत बच्ची लेकर आए हैं बाबा जी। यहाँ पर शो शुरू हो चुका है। यहाँ पर सवाई सिंह जी और बाकी उनकी पूरी टीम यहाँ पर अभी शो शुरू कर चुके हैं। अदंत बछेरी की कैटेगरी में ये यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ से ये जितने भी बच्चियाँ दिख रही है आपको सारी की सारी इसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और एक एक करके यहाँ पर ये खूबसूरत बछेरियाँ हमारा जो जजिंग पैनल है वो चेक करते हुए, और यूजुअली जोधपुर में बहुत खिली हुई धूप रहती है लेकिन आज बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर। और जी बहुत ही खूबसूरत बच्ची है यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ खूबसूरत घोड़ियाँ यहाँ पर, और यहाँ पर जजिंग भी चल रही है। क्या शुभ नाम आपका? मोहन सिंह। क्या डिटेल है सर इस बच्ची की? बच्ची इसकी माँ का नाम तो केसर है जी, पिताजी इसका जो बाप है वो है, उसका भुजंग नाम है। ठीक है, वो जो कोटा ठाकुर साहब के पास घोड़ा है उसकी बेटी की बेटी है। उसकी बेटी बेटी कितने महीने की हो गई सर? ये 22 महीने की। 22 महीने की। और क्या हाइट हो गई होगी करंट? 62 हाइट है। ओके, इसके पहले कौन से कॉम्पिटिशन में पार्ट कर चुके सर? ये इससे पहले ही है। पहले ही है। और आपका परिचय बताइए, कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं नागौर, डिस्ट्रिक्ट नागौर, पांडवा स्टड, तहसील मेड़ता। और इसके अलावा कितने क्या एनिमल हैं अपने पास में? मेरे पास इसके अलावा 5 और हैं। 5 और हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक बच्ची लेके आए सर? ठीक है। तो ये अभी और कितने क्या एनिमल, क्या लग रहा, कैसे क्या जानवर आए हैं यहाँ पर? सभी बढ़िया है, ये सब इंडिया का सबसे टॉप का फेयर है। जी जी। और यहाँ पे पूरा क्रीम आता है घोड़ों का, तो सबसे हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा मेला यही है। रिंग शो सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा रिंग शो यही है। सो गाइज, इसका नंबर आ चुका है। इस बछेरी का क्या नंबर है सर? इसका 8 नंबर है। ठीक है, क्या नाम बताया इस बच्ची का? शिवगामिनी। तो गाइज ये शिवगामिनी है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद करेंगे आपकी बच्ची अच्छा करे। थैंक यू। ये RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। सो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे जानवर यहाँ पर आ चुके हैं रिंग में। ये एक और बहुत ही अच्छा ग्रे कलर का एक फिली और एक कुमेत कलर की फिली पंचकल्याण। तो गाइज ये केसी स्टड फार्म की बछेरी नयनतारा अंकल लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। और ये धरा, ये भी केसी स्टड फार्म की ही बछेरी है। ये बच्ची आपको पुष्कर, हनुमानगढ़, मुक्सर साहेब हर जगह आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिली होगी। और यहाँ पर एक और बछेरी यहाँ पर, और खूबसूरत बछेरी नंबर 17 पंच कल्याण एक बछेरी। नमस्कार सर, किसकी बच्ची है सर? ये हिडाल्गो की बच्ची है। ये क्या नाम है सर इसका? मयूरी। और कितने महीने की हो गई? 20 मंथ्स की। ये खूबसूरत पंच कल्याण बछेरी हिडाल्गो की है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस घोड़ी की कन्फर्मेशन, अच्छा ब्लेस, चारों पैर एकदम सॉक्स, एकदम इक्वली वाइट सॉक्स। गाइस मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है अभी जोधपुर का आज इन घोड़ों के लिए।
और अच्छे मौसम में। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है इस घोड़ी का? सॉरी, फ्लैश जी। ओके, कहाँ से आ गए सर आप? गुजरात से आए हैं, गुजरात राजकोट से। मधुवन फाउंडेशन। ओके, और किसकी बच्ची है सर ये? लाल बादशाह करके है, लाल रतन का। अच्छा, ओके सर। गाइस, ये लाल बादशाह की बेटी है, लाल रतन इसका दादा हो गया। और कितने महीने की होगी सर ये? 18 महीने। इस कलर को क्या बोलेंगे सर? कुमित। कुमित, कुमित में आएगी, सुरंग में आएगी? सुरंग वाला है। सुरंग, सुरंग तो चेंज होगा अभी, और कलर चेंज होगा। ओके ओके, सो 18 महीने की ये फ्लैश, बहुत ही खूबसूरत सुरंग कलर की घोड़ी। हालांकि इनके ओनर ने इसको कुमेद बताया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुरंग है ये बछेरी। और इस तरफ आप देखेंगे तो जजिंग चल रही है इस वक्त नयनतारा की। तो गाइस, ये ट्रॉट करके चेक करवाते हुए इस खूबसूरत घोड़ी को, ये भी अदंत कैटेगरी की बछेरी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन की बछेरी। और ये केसी स्टार्ट फार्म वाले अंकल हैं, हर शो में ये अपनी बछेरी को पूरे इंडिया में किसी भी शो, कहीं पे भी शो हो, वहाँ पर अपनी बच्ची को लेकर जाते हैं। और ये पूरा जजिंग पैनल है जो कि गाइस, यहाँ पर एक ये बछेरी फिर से रिंग शो में छूट चुकी है ये। और तो ये बछेरी है धरा। धरा बस 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 So, ये है धरा, जिसने सब जगह अपनी एंट्री एस्टेब्लिश कर दी है केसी स्टड फार्म की। ये खूबसूरत बछेरी, जजिंग हो गई ना इसकी, तो उसी खुशी में नाच रही थी क्या ये? So, ये है केसी स्टड फार्म की धरा। मतलब बाऊजी, ये तो मतलब खुद की जजिंग होती, बाकी वो सब सबको दिखा रही है। खुद की जजिंग होती, धरा निकल पड़ी। होल्डर छूट गया था कि होल्डर टूट गया था? तो गाइस ये, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर सेकंड राउंड कंपैरिजन राउंड शुरू हो गया और धूप खिल चुकी है और पूरा जजिंग पैनल आपके सामने है यहाँ पर।
तो गाइस यहां पे ये कंपैरिजन राउंड चलता हुआ यहां पर तो ये हैं वो बछेरियां जो कि इस कंपटीशन के टॉप 10 में सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई की है और खूबसूरत ग्रे बछेरी बैक टू बैक फेस टू फेस कंपैरिजन यहां पर क्या नाम भैया बच्चे का इसका क्या नाम इसका राजलक्ष्मी किसकी बच्ची है काले कांटे की जय मंगल है ये भी ये अपना लक्ष्मी कदम है तीन पैर है ओके तो लक्ष्मी कदम नहीं लेकिन आगे के दोनों पैर बहुत ही अच्छे इसके सॉक्स वाइट है बहुत रेयर मिलते हैं आगे के पैर भी अच्छा कहाँ से इसकी माँ अच्छा कावेरी हाँ 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 सेम मार्किंग है कितने महीने की होगी भाजी 19 महीने की बढ़िया घोड़ी ये भी बढ़िया बछेरी जोरदार तालियों तो बजाओ प्लीज आप इट बी वेरी नाइस टू एनकरेज द हॉर्स अ लवली लुकिंग डार्क बे हॉर्स लॉट ऑफ पीपल मे एनवी द ग्रेस एंड चार्म डोंट फॉरगेट बीनीथ दिस ग्रेस एंड चार्म देयर स्टिल बीट्स द आर ऑफ अ वॉर हॉर्स तीसरे स्थान पर रहे द गाइस हिज हाइनेस मिस्टर ग्रेसन जी उससे पहले मेरा निवेदन है कि हैंडलर और होल्डर के अलावा के सामने और चील केस के सामने और कोई ना हो तीसरे स्थान पर है महादेवरी माया टैग नंबर वन माया नागेश जी देसाई गुजरात से तो गाइस ये है लोग हैं मीडिया से थोड़े से दूर हो जाए एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर टू मेक श्योर दैट आई हैव हर्ड जेंटलमैन आई रिक्वेस्ट यू टू मूव अ लिटिल बैक प्लीज डू नॉट ब्लॉक द वे of the two guests in the audience. तो गाइज ये है माया जो कि थर्ड प्लेस पर आई है मिल्क टीथ कैटेगरी मारवाड़ी नाइन्थ मारवाड़ी और शो के लिए नागेश जी देसाई गुजरात फोटोग्राफर से निवेदन है कि कृपया घेरा बनाए हुए टैग नंबर 30 नीलोफर रूप सिंह जी कमल पंजाब हैंडलर और ओनर मालिक के अलावा कोई सामने ना रहे ब्यूटीफुल अब है जोरदार तालियों तो बजाओ आप पहले स्थान पर बहुत ही सुंदर नाम है ओनर और अश्व के नाम में पूरी सृष्टि भर गई है शिव गामी टैग नंबर 8 और ओनर है श्री मोहन सिंह जी मेरथा तो गाइस ये है खूबसूरत फिली जिसने जीती है मिल्क टीथ कैटेगरी तो
शिवगामिनी, शिवगामिनी इस खूबसूरत फिली का नाम है। मोहन सिंह जी मेहरता, टैग नंबर एक। मोहन सिंह सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। ये है मिडफील्ड कैटेगरी में। थर्ड प्लेस की आप सभी से निवेदन है कि आप जैसी बत्ती एक बार एक सवार थोड़ा मैं पता था जो वेरी वेरी केयरफुल ये 30 नंबर प्राइस मिलिट्री में सो गाइस ये है सेकंड प्लेस पे मिलिट्री कैटेगरी मारवाड़ी फिल्म में और हिज हाइनेस गजेंद्र सिंह जी पंजाब से है थोड़ी मिस्टर गजेंद्र सिंह जी अपने साथ में आज भी मारवाड़ी घोड़ों के लिए आकर यहाँ पर इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं और बहुत टाइम देते हैं इसमें और बहुत ही रुझान अपना बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं आज भी मारवाड़ी घोड़ों में। और गाइस अभी आप देखिए जो घोड़ी ने इस कैटेगरी में विन किया है ये है मेड़ता से फर्स्ट प्राइज आपके सामने एक नंबर शिवगामिनी मोहन सिंह जी मेहरता सबके लिए खूब खूब आभार धन्यवाद थैंक यू वेरी मच वेरी काइंड ऑफ यू टू टेक ऑल द ट्रबल्स टू ब्रीड रेज एंड ट्रेन मारवाड़ी हॉर्सेस आर इंडिजिनस हॉर्सेस क्या नहीं घरे घोड़े राज में मेरे घोड़े जीवित रहे शिवगामिनी। सो गाइस ये है शिवगामिनी मिल्टिट कैटेगरी की विनर और आप लोग हैं नाइन्थ मारवाड़ी हॉर्स शो जोधपुर में आप देख रहे हैं आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड।